हेलो गाइस, वेलकम टू व्यूअर क्लासेस पार्ट टू, जिसमें हम ग्रेजुएशन और लॉ वीडियोस को बेसिकली अपलोड करते हैं। तो आज हमारे पास है यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द राइट्स ऑफ भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स। जैसा कि इसके नाम से ये पता चल रहा है कि इस भूमिदार के पास यानी इस जमींदार के पास जो भी भूमिदार है, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का यानी बेचने का जो राइट है, जो कि इस क्वेश्चन में ही आपके पास है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस तरीके से आप इसका बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, तो हमने इसके सारे राइट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ताकि आपका पूरा आंसर बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट। तो देखिए, सबसे पहला राइट जो इनहेरेंट राइट है इसका, दैट इज राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड यूज। डेफिनेटली जब ये उस प्रॉपर्टी का मालिक है तो इस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी इसके पास होगा और उसको यूज करने का राइट भी इसके पास है। तो इसमें खास बातें क्या ध्यान रखने की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही हैज द राइट टू यूज फॉर एनी पर्पस, यानी ये इस लैंड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी कर सकता है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी कर सकता है, कमर्शियल पर्पस के लिए भी कर सकता है, लाइक मेलाज हर्ट्स वगैरह लगाने के लिए भी कर सकता है। तो इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इस लैंड को सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए यूज कर सकता है। तो ही हैज अ राइट टू यूज दिस लैंड फॉर एनी पर्पस, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, राइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट इसमें डिस्कस करा गया है, दैट इज राइट नॉट टू यूज, यानी इसके पास ये भी राइट है कि इस प्रॉपर्टी को वेकेंट रख सकता है यानी खाली छोड़ सकता है। लेकिन उसको लेकर दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ये जमीन खाली छोड़ेगा, ये ज्यादा 3 साल से ज्यादा के लिए खाली नहीं छोड़ सकता और 12.5 एकड़ से ज्यादा का लैंड ये खाली नहीं छोड़ सकता। अगर इसने 12.5 से ज्यादा का एकड़ लैंड खाली छोड़ा या 3 साल से ज्यादा इसने जमीन को खाली छोड़ा और लैंड रेवेन्यू भी नहीं पे कर रहा, तो ऐसे केस में कंसर्न्ड अथॉरिटी के द्वारा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अबंडंड कर दी जाएगी। यानी आप एक तरीके से समझ सकते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटी इसकी प्रॉपर्टी पर अपना पोजेशन यानी राइट ले लेगी, राइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि अगर इसकी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके के मिनरल पाए जाते हैं या मिलते हैं, तो उन मिनरल्स को यूज करने का राइट इसके पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो उस राइट को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो जो सबसे पहला राइट है, राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड यूज, दैट इज अंडर सेक्शन 79, तो उसमें ये लिखा गया ही हैज द राइट टू यूज फॉर एनी पर्पस, यानी ये इसको एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल यूज के लिए कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इसे खाली भी छोड़ सकता है, बट 3 साल से ज्यादा के लिए खाली नहीं छोड़ेगा, 12.5 एकड़ लैंड से ज्यादा खाली नहीं छोड़ेगा। और अगर ये करता है 3 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ता है, 12.5 एकड़ लैंड से ज्यादा खाली छोड़ता है और लैंड रेवेन्यू भी नहीं पे करता, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी अबंडन कर ली जाएगी कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा इसको इस पर एक राइट नहीं दिया गया है कि ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मतलब आपके पास जो ये फर्स्ट राइट है, ये एक तरीके से पॉजिटिव राइट भी है और नेगेटिव राइट भी है। अगर आप इसका ए क्लॉज देखेंगे तो इसमें आपको ये बताया गया कि किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप बी और सी क्लॉज देख रहे हैं तो यहाँ पर उसको ये बताया गया कि उसका राइट क्या नहीं बनता, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू यूज और पोजेशन, जो कि उसका लैंड है सेक्शन 79 के अंदर। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू डिक्लेरेशन। नाउ व्हाट इज डिक्लेरेशन? बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी भूमिदार अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज ना कर किसी भी और पर्पस के लिए यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट करता है या कमर्शियल एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए उसे कंसर्न्ड अथॉरिटी को इसके बारे में सूचित करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है और वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। इसी प्रोसेस को डिक्लेरेशन का प्रोसेस कहा जाता है, राइट। तो इफ ही वॉन्ट टू यूज सच प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन फॉर एग्रीकल्चर, देन ही हैज टू गेट डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी, दैट इज SDO होता है आपके पास, जिससे उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि ठीक है भाई, आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहते, आप उसे कमर्शियल पर्पस के लिए या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, तो जस्ट एक आपको काम करना है, आप कंसर्न्ड अथॉरिटी से डिक्लेरेशन ले लीजिए। अगर आपने डिक्लेरेशन ले लिया है, उसके बाद आप बड़े आराम से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी आपने ये बताया ऊपर कि वो कुछ भी कर सकता है, उस पर कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकता है, रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी कर सकता है, एग्रीकल्चर, फिर उसको ये परमिशन लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उस पर लैंड रेवेन्यू टैक्स ड्यू होता है, राइट। तो लैंड रेवेन्यू आपको पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसका एग्रीकल्चर यूज हटा देते हैं और उसे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी अदर टाइप की हो जाएगी लैंड रेवेन्यू को छोड़कर। तो डिक्लेरेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आपका लैंड रेवेन्यू नाम की लायबिलिटी नहीं है, यानी आपको जमीन से रिलेटेड जो है लगान नहीं देना, आपको दूसरे टाइप की जो टैक्स लायबिलिटी है वो देनी है।
तो दैट इज द सेकंड राइट, राइट टू डिक्लेरेशन. अब इसी से रिलेटेड तीसरा राइट है, राइट टू कैंसलेशन ऑफ डिक्लेरेशन. यानी अगर आप मान लीजिए अब कमर्शियल यूज कर रहे थे, अब आप चाहते हैं कि नहीं फिर से आप उसे एग्रीकल्चर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपने जो डिक्लेरेशन लिया था उसको रिवर्ट करना, यानी उसे कैंसिल करना, यानी फिर से जाके ये बताइए कि आप कमर्शियल यूज की बजाय उस प्रॉपर्टी को किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं. तो ये भी उसके पास राइट है. यानी एक बार डिक्लेरेशन ले लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आप तो सिर्फ अब उसे कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे. यानी अगर आपने पहले एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में कन्वर्ट कराया, नाउ यू वांट टू कन्वर्ट फिर से अगेन, आप कमर्शियल की बजाय उसे खेती के लिए यूज करना चाहते हैं, तो फिर से जाकर अपना डिक्लेरेशन कैंसिल करा लीजिए और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने कमर्शियल जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना, राइट. इसके बाद हमारा फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू मोर्टगेज. मोर्टगेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, राइट. तो क्या ये जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो लैंड है, क्या इन्हें गिरवी रखा जा सकता है? तो इसका जवाब ये है, जनरल तो मोर्टगेज अलाउड नहीं है भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट में, उसको मोर्टगेज अलाउड नहीं है, बट एक्सेप्शन है. आप सिंपल मोर्टगेज कर सकते हो. सिंपल मोर्टगेज का मतलब होता है कि पोजेशन जो है वो भूमिदार के पास रहेगा. जैसे जनरली आपने देखा होगा कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो कोई भी पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक से लोन लेती है और अपनी जमीन के कागज उनके पास गिरवी रखवाती है ना, तो पोजेशन किसका रहता है? ए का. यानी उसमें रह कौन रहा है? ए. बैंक उसमें इंटरफेयर नहीं करता है ना, तब तक तो बिल्कुल नहीं करता जब तक कि आप डिफॉल्ट नहीं डाल देते. बिल्कुल उसी तरीके की मोर्टगेज को सिंपल मोर्टगेज कहा जाता है. तो अगर आपने अपने सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजात रखवाने हैं तो आपको अलाउड है मोर्टगेज. अदरवाइज अगर आप किसी को पोजेशन भी दे रहे हो, गिरवी रखते साथ साथ पोजेशन भी दे रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है. तो ओनली सिंपल मोर्टगेज विदाउट पोजेशन इज अलाउड. तो ये हो गया हमारे पास पांच चार राइट. पहला राइट क्या था? राइट टू यूज, कि वो किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकता है. फिर डिक्लेरेशन का राइट था जिसमें कहा गया था वो एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल यूज के लिए कर सकता है. फिर हमने पढ़ा कि वो दोबारा कैंसिल कराकर जो कमर्शियल पर्पज है उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है. फिर हमने पढ़ा मोर्टगेज वाला राइट. अब बहुत इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू ट्रांसफर. जैसा कि इसके नाम में ही था, ट्रांसफरेबल राइट है इसके पास. ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जब भी प्रॉपर्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चली जाती है उसको ट्रांसफर कहा जाता है. ये सेल के थ्रू भी हो सकता है, ये विल के थ्रू भी हो सकता है, ये आपके पास इनहेरिटेंस के थ्रू भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी वेज जिसके थ्रू एक प्रॉपर्टी जो होती है वो दूसरे पर्सन के पास चली जाती है. तो क्या इसके पास ट्रांसफर का राइट है? बिल्कुल राइट है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर आप लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करते हैं. तो यहां पर ये एक सबसे बड़ा क्लॉज है कि जो खरीदने वाला है, फॉर एग्जाम्पल बी ये लैंड खरीद रहा है, अगर ये प्रॉपर्टी ए के द्वारा जब बी को ट्रांसफर करी जाएगी, उसकी जमीन 12.5 एकड़ से ज्यादा हो जाएगी, तो बी ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता और ना ही ए इस प्रॉपर्टी को बी को बेच सकता है. तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है. अगर आप लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो यहां पर आपके पास अलाउड नहीं है, क्योंकि एक इंसान के पास ज्यादा भूमि इकट्ठी ना हो जाए इसको ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा जाता. तो परचेजर नॉट हैविंग मोर देन 12.5 एकर्स, तभी उसको ये प्रॉपर्टी या लैंड खरीदने का राइट होगा. इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट को ही अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है. शेड्यूल ट्राइब जो है वो शेड्यूल ट्राइब को ही अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है. अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब किसी और को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उन्हें कलेक्टर से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है. और वो परमिशन लेने के लिए भी ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको कलेक्टर अलाउ कर देता है. कलेक्टर के पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ क्लॉजेस हैं, उसके अंडर ही वो अलाउ किया जाता है, राइट. इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, यानी नॉन इंडियन सिटीजन हैं, उनको भी ये जो लैंड है ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा. यानी भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट होने के बावजूद भी वो ट्रांसफर इन सिचुएशन में नहीं कर सकता. यानी अगर कोई शेड्यूल कास्ट किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है तो वो नहीं कर सकता. शेड्यूल ट्राइब किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है तो वो नहीं कर सकता. अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी फॉरेन नेशनल को बेचना है तो हम नहीं कर सकते. और अगर हम जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करने के बाद वो प्रॉपर्टी 12.5 एकड़ लेंथ से ज्यादा हो जाएगी तो भी उसको प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट राइट था. अब इसके बाद है राइट टू लीज और रेंट. तो क्या हम अपनी जमीन को किराए पर चढ़ा सकते हैं? तो जनरल रूल है नहीं. यानी आप इसे किराए पर नहीं चढ़ा सकते, लीज पर नहीं चढ़ा सकते. बट देयर आर टू एक्सेप्शंस फर्दर, कि अगर जिसका लैंड है, जो भूमिदार है, वो डिसेबल्ड पर्सन है, तो वो उसे लैंड को लीज पर चढ़ा सकता है क्योंकि वो केपेबल नहीं है उस लैंड पर जो है काम करने के लिए. इसके अलावा अगर
जो उसका लैंड है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मांगा जा रहा है लीज पर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां पर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनसे रिलेटेड रिसर्च करेंगे या इसको लेकर एजुकेशन बढ़ाएंगे, तो उसके लिए लीज पे दिया जा सकता है, उसको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए एक लैंड के 3 से ज्यादा लोग पार्टनर्स हैं या फिर 3 से ज्यादा लोग भाई उसके वो हैं, और अगर मान लीजिए एक पर्सन है बी उसमें से डिसेबल्ड है, तो वो अपने पार्ट को लीज पर चढ़ा सकता है। तो जनरल रूल क्या है, आप लीज पे नहीं दे सकते, लेकिन 2 exceptions हैं, अगर डिसेबल्ड भूमिदार है तो वो दे सकता है। दूसरा, अगर आपके पास एजुकेशनल पर्पस के लिए उस लैंड को लीज पे मांगा जा रहा है तो भी जरूर दिया जा सकता है। इसके अलावा आप 7th राइट है, राइट टू एक्सचेंज, यानी क्या प्रॉपर्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में एक्सचेंज करी जा सकती है, जो लैंड है क्या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में एक्सचेंज किया जा सकता है, तो हाँ आपको बस कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास इसकी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी जो कि SDO होता है, बट कुछ केसेस में अलाउड नहीं है आपके। तो इसमें क्या है कि अगर दो पार्टीज जो भी एक्सचेंज कर रही हैं उस लैंड को, अगर उनके कॉस्ट का डिफरेंस 10% से ज्यादा है, यानी जो इसकी लैंड है और इसकी लैंड है उनका जो कॉस्ट का डिफरेंस 10% से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे केस में भी आपको एक्सचेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज के एक्सचेंज हो रहे हैं, इन दोनों पार्टीज के बीच में जो प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हो रहा है या लैंड का एक्सचेंज हो रहा है, उसका जो एरिया है वो 25% से ज्यादा है, क्योंकि जनरली एक्सचेंज क्या होता है, भाई तू मुझे अपनी दे दे मैं तेरी ले लेता हूँ, तो आप डिफरेंस इतना बड़े डिफरेंस पे क्यों जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अथॉरिटी को थोड़ा सा डाउट होता है कि कुछ टैक्स बचाने के लिए या कुछ छुपाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा। तो इसलिए अगर कॉस्ट का डिफरेंस इन दोनों की प्रॉपर्टी में 10% से ज्यादा है और एरिया का डिफरेंस 25% से ज्यादा है तो एक्सचेंज अलाउ नहीं किया जाता, राइट। तो वैसे उसको एक्सचेंज का राइट है, बट ये 2 exceptions जो है ध्यान में रख कर ही एक्सचेंज अलाउ होता है। इसके अलावा आपके पास बाकी के जो राइट्स हैं, दैट इज राइट टू बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, दान। तो ये अपनी प्रॉपर्टी को दान दे सकता है जो भी भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट है, लेकिन फिर से ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस भी जगह पे ये दान दिया जा रहा है उनकी जमीन 12.5 acres से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल आप ये समझ पाए होंगे कि किसी भी के पास 12.5 acres से ज्यादा का लैंड जो है वो अलाउ नहीं किया गया यूपी एक्ट के अंदर, राइट। तो नॉट मोर देन 12.5 acres अगर उसके पास ट्रांसफर होने के बाद ऐसा हो रहा है तो आप उसे दान नहीं कर सकते। किसी भी नॉन इंडियन को आप ये प्रॉपर्टी दान या लैंड दान नहीं कर सकते। एक शेड्यूल कास्ट को ही दान कर सकता है, और एक शेड्यूल ट्राइब को ही दान दे सकता है, और अगर इनको किसी और को दान देना है तो कलेक्टर से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ये हमने इससे ऊपर भी पढ़ा है, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू सू फॉर पार्टीशन, यानी अगर एक लैंड है उसको लेकर 2 या 3 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है तो इनके पास ये राइट है कि वो पार्टीशन के लिए सू कर सकते हैं। इसके अलावा सरेंडर टू द गवर्नमेंट, यानी अगर कोई भी भूमिदार चाहे तो गवर्नमेंट को अपना जो ये प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, ये क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही कम होता होगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को दान देने वाली बात हो गई कि गवर्नमेंट को आपने दे दिया कि भाई मुझसे नहीं प्रॉपर्टी संभलती, आप ले लीजिए, पर वो बहुत रेयर होता है, राइट। इसके अलावा राइट ऑफ नॉन इजेक्ट, यानी अगर कोई भी भूमिदार को अपनी उसकी प्रॉपर्टी से निकालने की कोशिश कर रहा है, जबरन निकालने की कोशिश कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर नॉन इजेक्टमेंट के अपने राइट को यूज कर सके। तो ये थे आपके पास 11 राइट जो भूमिदार के ट्रांसफरेबल राइट से। तो पूरी उम्मीद है कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने का कोशिश जो हमारी है वो पूरी रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।